अमित शाह भी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मैदान में कूद गए हैं। वो आज बिहार आ रहे हैं, तीन जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। जिन सीटों के लिए प्रचार करेंगे उन पर पहले फेज में मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। वो गया नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही गया में जीतनराम मांझी और औरंगाबाद में सुशील सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। शाह औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत गया जिले के गुरारू में जनसभा करने जा रहे हैं, जिससे वो एक नहीं बल्कि दो लोकसभा सीटों को साधेंगे और गया और औरंगाबाद के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। चुनावी सभा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं अमित शाह की सभा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कई बड़े नेताओं का जुटान मंगलवार को ही गया में हुआ है और माना जा रहा है कि बुधवार को अमित शाह की चुनावी सभा एनडीए के प्रत्याशियों के लिए अहम है, क्योंकि गया और औरंगाबाद से खड़े एनडीए प्रत्याशी को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। गया जिले में भाजपा के पारंपरिक वोटरों की तादाद काफी है, हालांकि प्रत्याशियों को लेकर थोड़ी खेमेबाजी है और इसी को लेकर अमित शाह का ये चुनावी दौरा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अमित शाह का कार्यक्रम गया के गुरारू प्रखंड में है, ये इलाका औरंगाबाद लोकसभा में पड़ता है। हालांकि अमित शाह के यहाँ आने से गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। अमित शाह के चुनावी दौरे से भाजपा के पारंपरिक वोट एक सूत्र में बंधने के आसार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना है और ऐसे में काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वहीं चुनावी सभा वाले स्थल की हैंड मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड की मदद से जांच हो रही है। केंद्रीय बल की विशेष टीम भी मंगलवार से ही गया के गुरारू पहुंची। बता दें कि औरंगाबाद और गया लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों का ही कब्जा है और ऐसे में इन दोनों सीट को बरकरार रखने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। यही वजह है कि बुधवार को जहां अमित शाह गया आ रहे हैं, तो 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गया आएंगे। आपको बता दें कि गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से हम प्रत्याशी के रूप में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी हैं, तो वहीं यहां से पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत राजद के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और इसी प्रकार औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद सुशील सिंह तो राजद से अभय कुशवाहा खड़े हैं। दोनों लोकसभा में आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है और यही वजह है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज यहाँ अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।